homes that you bring, the dreams that you share, the pleasure you get when you know that we care. The faith that you place, the trust that we share, the joy in your heart when you know that we care. You before we. SV, your reliable healthcare partner. नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर सचिन चित्तावर आप सबका बीट डायबिटीज प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज हमारे मध्य भोपाल और मध्य प्रदेश के नामी ग्रामीण डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्रोनोलॉजिस्ट उपस्थित हैं, जिसमें डॉक्टर सुशील जिंदल साहब जो कि प्रोफेसर मेडिसिन और एंडोक्रोनोलॉजिस्ट हैं जो कि भोपाल से आए हैं, डॉक्टर सचिन गुप्ता साहब जो कि डायबिटोलॉजिस्ट हैं जो भोपाल क्षेत्र के एक बड़ा नाम है, और प्रोफेसर डॉक्टर सुबोध बांजल साहब जो कि एंडोक्रोनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट हैं, ये इंदौर से पधारे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि विगत वर्षों में ये बात हो रही है कि 2030 तक हिंदुस्तान वर्ल्ड का डायबिटीज़ कैपिटल होगा, तो क्या ये सच है? बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारी बातें हैं, नाना प्रकार की बातें समाज में फैल रही हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए आज हम यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम मैं प्रश्न करना चाहूँगा डॉक्टर जिंदल साहब से कि मधुमेह क्या है जिसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं, तो कृपया आप ध्यानाकर्षण करें कि मधुमेह क्या है। जी सचिन, मधुमेह एक वह रोग है जो हार्मोन से संबंधित है। इस रोग में जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा है वो लगातार सामान्य से अधिक बनी रहती है। ग्लूकोज को सामान्य स्तर में रखना शरीर के सामान्य कार्यप्रणाली के लिए बहुत ज़रूरी है, पर यदि किसी कारणवश ग्लूकोज की मात्रा लगातार बढ़ी हुई रहती है खून में, और वह ग्लूकोज खून में तो बना रहता है पर कोशिकाओं के अंदर नहीं जा पाता, तो ऐसी स्थिति को हम मधुमेह कहेंगे। मधुमेह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो वह मधुमेह जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। इस अवस्था में शरीर में जो इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाएं हैं पैनक्रियाज ग्रंथि में जो मौजूद होती हैं वो पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं, तो जीवन चलाने के लिए हमें बाहर से इंसुलिन इंजेक्शन के माध्यम से उन्हें देना पड़ेगा। ऐसा अक्सर बचपन में होता है, ऐसे मरीज़ जो हैं, जो जितने भी डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं उनके लगभग 5 से 10% होते हैं, पर जो सबसे ज़्यादा बहुतायत से पाए जाने वाली जो डायबिटीज़ होती है उसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, अक्सर वयस्क लोगों में होती है। और यदि हम देखें तो भारत में लगभग जो वयस्क लोग हैं और शहरी क्षेत्रों के वयस्क लोग हैं उसमें 10 में से 1 व्यक्ति को इस प्रकार की डायबिटीज़ हो रही है। तो इस तरह की डायबिटीज़ में जो इंसुलिन तो बना सकता है मरीज़ अपने अंदर, पर वह इंसुलिन की कार्यक्षमता ठीक नहीं रहती, तो वो इंसुलिन कार्य नहीं कर पाती, इसीलिए रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाती है और इसी अवस्था को हम डायबिटीज़ कहते हैं। दर्शकों, हमने जाना कि मधुमेह क्या है, अब प्रश्न ये उठता है कि हमें ये कैसे पता चले कि किसी को मधुमेह का रोग है, तो मैं ये प्रश्न पूछना चाहूँगा डॉक्टर सचिन गुप्ता जी से। डायबिटीज़ में मात्र आप ब्लड शुगर करके पता कर सकते हैं जो 20 से 30 रुपए में हो सकती है। आप अपने भूखे पेट शक्कर की जांच करा लीजिए लगभग 8 घंटे के बाद, अगर आपकी शक्कर 110 से कम है तो आपको डायबिटीज़ नहीं है, अगर आपकी शक्कर 126 से ज़्यादा आ रही है तो आपको डायबिटीज़ होने की संभावना है अगर लक्षण हैं तो, और 110 से 126 का हम बोलते हैं प्री डायबिटीज़। इसी तरह से हम लोग खाने के 2 घंटे बाद शक्कर की जांच करते हैं, अगर आपकी शक्कर 140 से कम है तो आपको डायबिटीज़ नहीं है, अगर आपकी शक्कर 140 से 200 आती है तो आप शुक्र मनाइए, आपको प्री डायबिटीज़ है, और हम डायबिटीज़ को जीवन शैली बदल के बहुत सालों तक पोस्टपोन कर सकते हैं। अगर आपकी शक्कर 200 मिलीग्राम से ज़्यादा आती है तो आपको डायबिटीज़ है, अगर लक्षण और हैं तो आपको चिकित्सक की सलाह लेना चाहिए। और एक दूसरा टेस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन या HbA1c, ये पिछले 3 महीने का शुगर का एवरेज देता है। अगर आपका ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन 6.5 से ज़्यादा आ रहा है इन रिपोर्ट्स के साथ, ज़्यादा रिपोर्ट्स के साथ, तो आपको डायबिटीज़ है और आपको दिखाना चाहिए कि इसको नेग्लेक्ट ना करें। और अगर आपके परिवार में, जैसे कि अभी आपको बताया जाएगा डायबिटीज़ की हिस्ट्री है ये आपको संभावना है, तो तुरंत अपनी ब्लड शुगर की जांच कराएं। धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता।
देखिए, कभी भी कोई बीमारी होती है तो कोई एक जनसमूह होता है, एक कोई स्मॉल सेगमेंट होता है जिनको ज़्यादा होने की संभावना होती है। तो मैं डॉक्टर सुबोध बांजल साहब से ये पूछना चाहूँगा, ऐसे कौन से मरीज हैं जिन्हें डायबिटीज़ का रोग होने की संभावना अधिक होती है? जब से हमारे देश में, दुनिया में डायबिटीज़ के रोगियों की संख्या बढ़ी, तो हमको नेचुरली ये पता लगाना ज़रूरी हो गया कि भाई कौन कौन लोग हैं जिनको डायबिटीज़ हो सकती है। तो मालूम पड़ा आराम परस्त लोग, खाते पीते लोग, पेट वाले लोग या मोटापे वाले लोगों में ये बीमारी काफ़ी है। साथ में जिन महिलाओं ने गर्भ के दौरान शुगर बढ़ी हुई है, जिनको हम GDM बोलते हैं, जेस्टेशन, उनको भी डायबिटीज होने की संभावना है। जिन महिलाओं ने ऐसे बच्चों को जन्म दिया जिनकी वजन 3.5 से 4 किलो से ज़्यादा है, ऐसे बच्चों को भी और उस महिला को भी शुगर होने की संभावना ज़्यादा है। जिनके घरों में शुगर की बीमारी है, माँ बाप को, भाई बहन को, ऐसे लोगों को संभावना है। हमारे देश में अगर आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है और आपका वजन ज़्यादा है तो ज़रूर है कि अपनी जाँच करवाएं, क्योंकि चांसेस बढ़ जाते हैं। हम कहते हैं कि लड़की को चेहरे पर बाल आ रहे हैं, थोड़ा मोटापा बढ़ रहा है, महीना गड़बड़ है, इसको PCOD की समस्या हो सकती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ऐसी लड़कियों को या महिलाओं को भी शुगर होने की चांसेस है। तो एथेनिकली वी आर सपोज टू एक्ट मोर एंड ईट लेस। अब हम जितना खाते हैं उसको इकट्ठा कर रहे हैं, उससे भी ये समस्या बढ़ी है। अब बात आती है कि ऐसे मरीजों को जिनको डायबिटीज है, तो उनके लक्षण के आधार पर उनको खाली पेट, भरे पेट, शक्कर की जांच करानी है या HbA1c की जांच करानी है, जिससे हमें 3 महीने के बारे में पता चलता है। तो मैं डॉक्टर जिंदल साहब से पूछना चाहूँगा कि मधुमेह के सामान्य लक्षण क्या है? कि मधुमेह के अनेक लक्षण हो सकते हैं, जैसे प्यास ज़्यादा लगना, पेशाब बार बार जाना, वजन कम होना, थकावट लगना, गुप्तांगों में खुजली होना, फोड़े फुंसी होना, या कई बार कोई घाव हो गया तो उनको जल्दी जल्दी घाव का भरना नहीं या घाव का पक जाना, ये सभी लक्षण जो हैं ये क्लासिकल लक्षण कहलाते हैं डायबिटीज़ के। परंतु मैं इस बात पे जोर देना चाहूँगा कि डायबिटीज़ के ऐसे बहुत से मरीज़ होते हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं होता। ये धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी है और मरीज़ धीरे धीरे इसको अडॉप्ट कर लेता है, इसलिए उन्हें कोई भी लक्षण का पता नहीं चलता। और जब मरीज़ को किसी ऑपरेशन के लिए या इंश्योरेंस कराने के लिए मेडिकल चेकअप किया जाता है, तब पता चलता है पहली बार कि उसको डायबिटीज़ हो गई है। तो मैं यही कहूँगा कि लगभग 50% मरीजों में कोई लक्षण नहीं होते। धन्यवाद डॉक्टर जिंदल। प्रश्न हमेशा ये उठता है कि अगर बीमारी है तो किस तरह से इसे टाला जा सकता है, और हमारे यहाँ ये हमेशा एक परिपाटी है कि क्या इस बीमारी को जड़ से निपटाया जा सकता है, जड़ से ख़त्म करा जा सकता है, एक ऐसी बात हमारे मध्य हमेशा ऐसी रहती है। तो मैं डॉक्टर सचिन गुप्ता जी से पूछना चाहूँगा, क्या यह संभव है डायबिटीज़ के बारे में? देखिए, कोई भी ये बीमारी नहीं चाहता है। सबसे पहले तो मरीज़ बीमारी को टालता है, डायग्नोसिस में टालता है, क्योंकि उसको लगता है जैसे मुझे डायबिटीज़ होगी मेरे जीवन के सब मज़े ख़त्म हो जाएंगे, मीठा मीठा नहीं खाने देंगे। आज तक किसी की भी डायबिटीज़ किसी भी पद्धति से ख़त्म नहीं हो सकी है। हाँ, हम एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं कि जैसे कि अभी सर ने बताया कि जिनके परिवारों में डायबिटीज़ है या जिनको डायबिटीज़ होने की संभावना है, वो अगर पहले से ही एक्ट कर लें, पहले से ही अपने जीवन शैली में स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, अपना वजन कम रखें और अपने खाने पीने में नियंत्रण करें। जब आपको मालूम है कि मुझे डायबिटीज़ होने की संभावना है, तो हम पहले से ही क्यों नहीं कोशिश करते, क्यों वेट करें कि हमको डायबिटीज़ हो जाए? तो हो सकता है हम डायबिटीज़ को कई अरसों के लिए टाल सकते हैं, और अगर हम डायबिटीज़ को टालेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस को भी टालेंगे, पर डायबिटीज़ को डॉक्टर सचिन चित्तावर ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब प्रश्न उठता है कि शक्कर बढ़ जाना और शक्कर घट जाना, ये दो बातें हमेशा समाज में उठती हैं कि मरीज आके बोलता है डॉक्टर साहब मेरी शक्कर बढ़ गई, दूसरा मरीज आपके पास आके बोलता है मेरी शक्कर कम हो गई, तो इसके लक्षण क्या हैं? मैं ये पूछना चाहूँगा प्रोफेसर जिंदल साहब से। जी देखिए, यदि किसी की खून में ग्लूकोज की मात्रा 70 के नीचे चली जाए तो हम उसे कहेंगे कि इनकी ग्लूकोज लो हो गई है, और यदि ग्लूकोज की मात्रा 300 के ऊपर चली जाए तो हम कहेंगे कि ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक ज़्यादा हो गई। अब रहा सवाल लक्षणों का, तो जो लो शुगर होती है उसको हम वैज्ञानिक रूप से हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण जो होते हैं उसमें हम दो तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। एक तो जब बहुत ज़्यादा शक्कर कम नहीं हुए, जैसे कि मान लीजिए कि 70 और 50 के बीच में है, तो मरीज़ को घबराहट होती है, उसके हाथ कांप सकते हैं, उसको पसीना छूट सकता है, उसको दिल की धड़कन बढ़ सकती है। तो ये सब वैसे ही लक्षण है जैसे कोई कोई एग्ज़ाम देने के टाइम किसी छात्र को होता है। तो ये सब चीज़ें उसी तरह होती हैं कि हाथ कांप रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं,
तो ये सब लक्षण हैं लो शुगर होने के। परंतु यदि इस समय भी हम उनके लो शुगर को ठीक ना कर पाएँ तो फिर उसके बाद एक दूसरे लक्षण आने लगते हैं कि मरीज़ की सोचने समझने की शक्ति कम होने लगती है, वो अपना जजमेंट नहीं कर पाते और धीरे धीरे वो कोमा में भी जा सकते हैं। तो इस स्थिति को हम कहेंगे इससे जैसे कोई व्यक्ति ने शराब पी ली, उस तरह के लक्षण पैदा होने लगते हैं कि वह आदमी अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है। तो ये स्थिति तब बनती है जबकि दिमाग को ग्लूकोज पूरी तरह से नहीं मिल पाती। तो यह दो तरह की सिम्टम्स हैं जो कि हाइपोग्लाइसीमिया में, तो ज़्यादातर लोगों को पता चल जाता है कि उनकी शुगर होने कम होने लगी तो उसी समय यदि वो कुछ 3-4 चम्मच मीठा खा लें या कोई मीठी चीज़ खा लें तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। दूसरी ओर यदि शुगर की मात्रा खून में 300 के ऊपर जाने लगे, प्लाज्मा ग्लूकोज 300 के, तो मरीज़ को बार बार पेशाब आएगी, बहुत कमजोरी लगेगी, प्यास लगने लगेगी और ऐसी स्थिति में भी कई बार जब शुगर बहुत ज़्यादा होती है तो फिर पेशेंट को बेहोशी भी हो सकती है, तो वो एक दूसरी तरह की लक्षण हो जाती है। धन्यवाद जनरल साहब। जिनको डायबिटीज़ का रोग है, अब प्रश्न ये उठता है कि उन्हें ये कैसे पता चले कि मेरी बीमारी नियंत्रित है और मेरी बीमारी बहुत अच्छे से मैं इलाज ले रहा हूँ, ये प्रश्न उठता है, तो इसका जवाब मैं सुनना चाहूँगा डॉक्टर सचिन गुप्ता जी से। देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि कैसे मालूम चले, एक डायबिटीज़ एक लक्षण विहीन बीमारी है। अभी हम लोग देखने में आ रहा है कि हमारे 80% लोगों की शुगर कंट्रोल में नहीं है, A1C 7 से बहुत ज़्यादा है। डायबिटीज़ के मरीज को अपने शुगर से, उसको हम बोलते हैं SMBG या अपने सेल्फ मॉनिटरिंग या ब्लड ग्लूकोज, उसे अपनी भूखे पेट शक्कर की जांच करा लें, कभी नाश्ते के बाद 2 घंटे बाद जांच करा लें, कभी लंच के 2 घंटे बाद जांच करा लें, उससे हम दवाइयों की मात्रा को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और हर डायबिटीज़ के मरीज को 3 से 4 महीने में अपना ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन की जाँच कराना चाहिए। दर्शकों, आपके मध्य हमेशा एक प्रश्न रहता होगा क्योंकि आजकल ग्लूकोमीटर की मशीन सबके पास उपलब्ध है, तो ये प्रश्न रहता है जब हम ग्लूकोमीटर की मशीन से जांच करते हैं तो शुगर कुछ और आती है, जब हम लैब में जांच कराते हैं तो शुगर कुछ और आती है, तो कई बार लैब वाले बोल देते हैं कि आपकी मशीन ख़राब है, तो यह विसंगति क्या है, इसके बारे में मैं डॉक्टर सुबोध बांजल जी से थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहूँगा। डॉक्टर चित्तावर, आप सही कह रहे हैं। एक तो ग्लूकोमीटर होता है, ग्लूकोमीटर छोटी सी मशीन होती है अपने पॉकेट साइज में इतनी सी, जिसमें छोटी सी चिप टाइप की रहती है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिप, और इसको लगा के अपन विद इन नो टाइम यहाँ पर फिंगर को प्रिक करते हैं, छोटा सा एक ड्रॉप या खून की बूंद आती है और उसको अपन लगा के देख सकते हैं कि शुगर कितनी है, ऊपर है कि नीचे है, ये अपने को मोटा हिसाब देती है। अगर किसी को डायग्नोसिस करना है शुगर को तो अपने लेबोरेटरी में करवाना चाहिए, दोनों में, ग्लूकोमीटर में और लेबोरेटरी में ऑलमोस्ट 10% का फर्क आता है। अगर आपको ज्यादा फर्क लगे, ज्यादा परेशानी हो, तो मैं तो मरीज से कहता हूँ भैया अपना ग्लूकोमीटर लैब में ले जाओ, उस समय दोनों टाइम एक समय दोनों की जांच करवा के आपको आइडिया लग जाएगा कितनी है। तो खुद के मॉनिटरिंग के लिए ग्लूकोमीटर घर में जरूरी है, स्पेशली जिनको इंसुलिन पे है, GDM है, जिसको प्रेगनेंसी है, ऐसे लोगों को निरंतर अपनी, क्योंकि रोज रोज तो अपन वहाँ नहीं जा सकते, शुगर की जांच लैब में नहीं करवा सकते, तो ग्लूकोमीटर अपने को मोटा हिसाब जरूर देता है, अच्छी चीज़ है, रखना चाहिए। पर 100% अगर अपन चाहते हैं तो लेबोरेटरी में करवाएं। कभी कभी स्ट्रिप खराब हो जाए, खुली में रखी हो, स्ट्रिप में चेंजेज हो, अच्छे वाले ग्लूकोमीटर ना हो, स्टैंडराइज ना हो, तो ऐसे भी परेशानी कर सकती है, तो अपने को इन चीज़ों का ध्यान रखें। पर मैं फिर भी कहना चाहूँगा ग्लूकोमीटर एक इम्पॉर्टेंट टूल है मॉनिटरिंग के लिए, आप जब तक देखोगे नहीं कि आपकी शुगर कितनी है तो ठीक कैसे करोगे, तो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में ग्लूकोमीटर जरूरी है। थोड़ा बहुत डिफरेंस अपन नज़रअंदाज कर सकते हैं, ज़्यादा है तो नेचुरली अपने को उसको ठीक करना चाहिए, पक्का करना चाहिए। जी धन्यवाद। दर्शकों, हमने जाना कि अगर आपको ठंडा पसीना, घबराहट, दिल की धड़कन तेज होना, बहुत तेज भूख लगना, थरथराहट, कपकपी, ये इस तरह के लक्षण आते हैं तो ये शक्कर कम होने के लक्षण हैं। हो सकता है उस समय आपकी 50-60 शुगर हो, ये एक जानलेवा अवस्था है। जब भी ऐसी अवस्था होती है तो आपको तुरंत मीठे का सेवन करना है। इसके विपरीत ज़्यादा भूख, ज़्यादा पेशाब, ज़्यादा प्यास आ रहा है और शुगर्स बढ़ी हुई आ रही हैं, तो ये हाइपरग्लाइसीमिया के लक्षण हैं। तो ये दोनों ही अवस्था के बीच में आपको समझदारी से अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब बात आती है कि जिसको डायबिटीज़ है उसे कैसे पता चले कि शुगर नियंत्रित है, तो मैं हमेशा ये कहना चाहूँगा कि डायबिटीज़ का इलाज 2020 के क्रिकेट मैच की तरह है, जहाँ पे रन रेट के बगैर 10 के 10 खिलाड़ी आउट हो ना हो, फिर भी टीम मैच हार जाती है। तो आपका रन रेट क्या है? खाली पेट शक्कर आप 100 के आसपास रखिए, भरे पेट शक्कर आप 180 के अंदर रखिए और 3 महीने का एवरेज लगभग 7% रखिए। अब बात आती है ग्लूकोमीटर की, कि ग्लूकोमीटर और लैब की जाँच में क्या विसंगति है। तो सबसे अच्छा तरीका है
कि जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो आप लैब से जांच करवा कर जाएं। घर पर आप निगरानी के लिए ग्लूकोमीटर का प्रयोग कर सकते हैं और उसमें कभी शक्कर कम आए तो आपको जैसा बताया गया उसके अनुरूप आप निर्णय ले सकते हैं। दर्शकों, हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। Your reliable healthcare partner. The homes that you bring, the dreams that you share, the pleasure you get when you know that we care, the faith that you place, the trust that we share, the joy in your heart when you know that we care. You before we. SV, your reliable healthcare partner. ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अब बात आती है कि इतनी सारी बातें हो गई तो डायबिटीज या मधुमेह का इलाज कैसे किया जाता है, ये मैं जानना चाहूंगा प्रोफेसर जिंदल साहब से। सचिन, डायबिटीज का इलाज काफी जटिल होता है। यदि हम सबसे पहले देखें कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें डॉक्टर अच्छे से अच्छी दवाई लिख दे, पर यदि उसे मरीज़ का सहयोग नहीं मिलेगा तो शायद नियंत्रण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ को जो भी व्यायाम के बारे में, आहार के बारे में जो भी चीज़ें समझाई जाती हैं उसका वो अच्छे से पालन करे, अपनी शुगर की मॉनिटरिंग करे, कॉम्प्लिकेशंस के लिए भी अपनी जाँचें नियमित रूप से कराए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें। सबसे पहले हम आए आहार पे। तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं जिनके खाने के बाद जो शरीर की आते हैं वो खाने को पचाती हैं, पचने के बाद उनमें से ग्लूकोज बनता है, वो यदि ऐसी वस्तुएं हम खाएंगे जो तुरंत ग्लूकोज में बदलती हैं और तुरंत खून में जाती हैं, उसकी वजह से खून में शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तो हम ऐसी आइटम्स अपने खाने से हटाने होंगे। तो जितनी मीठी चीज़ें हैं, मैदे की चीज़ें हैं, ये चीज़ें मरीज़ से हम कहते हैं कि आप इनसे बचें। फिर हमें ये भी देखना होगा कि ऐसी चीज़ें मरीज़ ना खाए जिनसे कॉम्प्लिकेशन होने के या वज़न बढ़ने की संभावना है, तो हम मरीजों से कहते हैं कि आप तली चीज़ें, गरिश चीज़ें, इस तरह की चीज़ों को भी अवॉइड करें। यदि मरीज़ को साथ में ब्लड प्रेशर है, हार्ट की समस्या है, तो हो सकता है हम उससे ये भी कहें कि उसको नमक भी कम करना चाहिए। तो आहार एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ आहार के बारे में पूरी तरह सतर्क रहें। दूसरी जो विधा है जिससे हम डायबिटीज़ को अच्छे से नियंत्रण रख सकते हैं वह है व्यायाम। जब भी मरीज़ कोई व्यायाम करता है, कसरत करता है, तो उसके शरीर में जो ग्लूकोज होती है वो कोशिकाओं में जाने लगती है और यह बिना इंसुलिन के सहायता के भी जा सकती है। आपने शुरू में बताया कि कुंजी है, पर यह कुंजी की ज़रूरत के बिना भी यदि मसल्स एक्टिव हैं तो वो अपनी ग्लूकोज बिना इंसुलिन के भी ले सकते हैं। तो इस तरह ग्लूकोज की मात्रा खून में कम होती है। तो कसरत करने से ग्लूकोज की मात्रा खून में कम की जा सकती है। ये बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ को जितना समझाया जाए अपनी कसरत वो करे। दूसरा जो व्यायाम का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, आगे चलकर बहुत सारे डायबिटीज़ के मरीज़, लगभग 60-70% डायबिटीज़ के मरीजों को हार्ट अटैक आ जाता है। तो इससे बचने के लिए यदि वो व्यायाम करते हैं तो उनके हार्ट की सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी, उन्हें हार्ट अटैक होने का रिस्क नहीं रहेगा। तो इसलिए व्यायाम दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तीसरा आता है दवाइयों का। दवाइयाँ दो किस्म की होती हैं, एक तो खाने की गोलियाँ होती हैं और एक इंसुलिन होती है। जैसा हमने शुरू में बताया कि टाइप 1 डायबिटीज़ जिनमें इंसुलिन नहीं बन रही, जो बचपन में अक्सर शुरू होती है, उनका इलाज सिर्फ इंसुलिन है। उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगेंगे, दिन में 2-3 बार लगाने पड़ सकते हैं, ज़्यादा बार भी लगाने पड़ सकते हैं। उनका जीवन पूरी तरह इंसुलिन पर निर्भर है। उनको कोई कहे कि हम उनकी इंसुलिन छुड़ा देंगे तो शायद वो गलत कह रहा है। अब आया सवाल जो हमारी सामान्य तरह की डायबिटीज़ है, बहुत आय से पाई जाने वाली टाइप 2, उनके लिए गोलियाँ उपलब्ध हैं।
तो ये गोलियाँ दो तरह से काम करती हैं। एक गोलियाँ होती हैं जो थोड़ा बहुत इंसुलिन की मात्रा को, पैनक्रियास से ज़्यादा इंसुलिन निकलवा सकती हैं, वो दवाइयाँ जो हैं वो जो डायबिटीज़ की शुरुआत में अच्छे से काम करती हैं, पर जैसे जैसे डायबिटीज़ का समय बढ़ता जाता है उनका काम करने की क्षमता कम होती है। और दूसरी किस्म की दवाइयाँ हैं जो जो भी इंसुलिन कम मात्रा में जो भी आ रही है जितनी भी, उसकी एक्शन को बढ़ा सकती हैं। तो इस तरह की दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं, पर ये दवाइयाँ हम देखते हैं कि करीब टाइप 2 डायबिटीज़ के पहले 8-10 साल तक तो काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं, उसके बाद अधिकांश मरीज़ों को थोड़ा बहुत इंसुलिन बाहर से देने की आवश्यकता पड़ने लगती है। और मैं एक और बात कहूँगा कि एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो एक और बहुत ज़रूरी बात है डायबिटीज़ के इलाज में, कि मरीज़ को अपनी बीमारी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब हमें जानकारी नहीं होगी कि इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्या शुगर के परेशानियाँ आ सकती हैं, तो वो सब चीज़ें यदि मरीज़ जानकारी लेता रहे, आजकल बहुत सारी मैगजीन्स हैं, इंटरनेट है, और आज जो हम कर रहे हैं ये भी मरीजों की जानकारी के लिए ही कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मरीज़ ज़रूर अपनी जानकारी रखे यदि बीमारी की, तो उनका नियंत्रण बहुत अच्छे से किया जा सकता है। धन्यवाद डॉक्टर जिंदल। देखिए, आजकल ज़माना है सोशल मीडिया का, इंटरनेट का, प्रिंट मीडिया का, तो कहीं ना कहीं बातें गाहे बगाहे होती रहती है डायबिटीज़ के बारे में। कई बड़े बड़े ऐड आते हैं, बड़े बड़े प्रचार आते हैं, टीवी में बहुत लंबे लंबे डिस्कोर्सेज आते हैं, जहाँ ये बोला जाता है कि इन दवाओं से आप लेंगे तो डायबिटीज़ ठीक हो सकती है, ये आयुर्वेदिक दवा है, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो मैं डॉक्टर सचिन गुप्ता जी से जानना चाहूँगा कि क्या सच्चाई है इनकी। देखिए, ये आपने बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है, पर जो हम जो मेरी सोच है, आयुर्वेद जो है हमारी भारत की बहुत ही पुरातन धरोहर है, और हम उसको कुछ मिसगाइड करके अपना ये जो नई नई जो पेपरों में ऐड आ रहा है, ये पैसा बनाने की स्कीम है, मुझे ऐसा लग रहा है। आयुर्वेद कहता है, एक जो प्रमेय है बोलते हैं, जो मधुमेह कहते हैं, आयुर्वेद कहता है कि हम अपनी जीवन शैली को स्वस्थ करें, योग भी आयुर्वेद का पार्ट है। आयुर्वेद कहता है कि हम मोटापा कम करें, अपने खान पीन में नियंत्रण करें, दूसरी चीज है कि नियमित रूप से व्यायाम करें। आयुर्वेद में पंचकर्म आता है, जिससे कि हम पूरे मरीज के कहते हैं टॉक्सिक्स खत्म करते हैं, उसका वेट कम होता है, ये आयुर्वेद है। उसके बाद आयुर्वेद बोलता है जब उससे शुगर कंट्रोल ना हो तो फिर कुछ गोलियां दी जाती हैं, और कुछ जो हमारी दवाइयां जो रहती हैं, करेला इस टाइप की दवाइयां दी जाती हैं। ये सब चीजें शुरुआती अवस्था में बहुत अच्छा काम करती हैं, परंतु जैसे डायबिटीज, आपको मालूम है कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, जैसे जैसे डायबिटीज का ड्यूरेशन बढ़ेगा, फिर ये दवाइयां धीरे धीरे काम करना कम कर देती है, और आपको एलोपैथी मेडिसिन पे आना ही पड़ता है। तो सबसे जरूरी चीज है कि हम कोई भी पद्धति लें, पर हमको जरूरी है कि हम उसकी निगरानी रखें कि हमारी शुगर इससे कंट्रोल हो रही है क्या। अगर हम ये करेंगे तो हम अच्छे से जी सकते हैं और हमको कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। देखिए, जब भी किसी को मधुमेह का रोग पता चलता है तो घर परिवार सभी जगह एक तहलका समझ जाता है। लोग बोलते हैं आप ये मत खाओ, आप वो मत खाओ, आलू चावल मत लो, तो मरीज कहीं ना कहीं भटक जाता है कि उसे सेवन क्या करना है। तो मैं सुबोध बांजल जी से पूछना चाहूँगा, क्या क्या चीज़ें हैं जो डायबिटीज़ में पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं या वर्जित हैं? कुछ कोई वर्जित नहीं है, अति हमेशा वर्जित है। किसी भी चीज़ की ज़्यादा मात्रा बहुत अच्छी नहीं है, तो मोटा खाओ और खा के उसको पचा लो, इकट्ठा मत खाओ, टुकड़ों में खाओ, 3 बार खाओ, 4 बार खाओ तो आप ठीक रहोगे। पर मैं कहना चाहूँगा, रिफाइंड मत खाओ, बहुत ज़्यादा छना हुई चीज़ें, जैसे मैदा है, फ्रूट जूसेस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, मैदा की बनी चीज़ें, जो फास्ट फूड, जो सो कॉल्ड फास्ट फूड है, ज़्यादा खाओगे तो परेशानी, यही डॉक्टर जिंदल ने, डॉक्टर सचिन गुप्ता ने भी यही बात की। तो अपन कोई भी चीज़ वर्जित नहीं है, पर कोई भी चीज़ लिमिटेशन में खानी चाहिए, तली चीज़ अवॉइड करें, वजन ना बढ़े। एक चीज़ हम कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स, आपने कुछ खाया और अगर आपकी शुगर फट से बढ़ने लगी, उसको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। और एक होता है कि धीरे 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 शुगर बढ़ती है, अगर धीरे बढ़ेगी तो आपके पास छोटा सा भी इंसुलिन है, कम मात्रा में इंसुलिन, उसको पचा पाएगा। तो जैसे चना है, अपना राजमा है, दालें हैं, छिलके वाली हैं, फाइबर चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं, ऐसी चीज़ें, वेजिटेबल्स हैं, सलाद है, ये सब ले सकते हैं। तो अगर आपको शक्कर सी, मैं इसलिए नहीं बोलता कि शक्कर खा लो, खा सकते हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा है तो एक जरा सी शक्कर या मिठाई का टुकड़ा खाना खाने के बाद खाओ, तो एकदम से नहीं एब्जॉर्ब होगा। पर अब जब हम बोलते हैं तो घर जाके मरीज बोलता है, मेरे को तो डॉक्टर साहब बोलते हैं मिठाई खा सकते हो, इसलिए हम कहते हैं कि ज़्यादा मिठाई मत खाओ,
अगर कभी लेनी है तो थोड़ा सा लो और अपना हमेशा व्यायाम को जितना खाया उसे पचाओगे तो आप अच्छे रहोगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ब्लड शुगर 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक अपन कम कर सकते हैं केवल आहार के माध्यम से और एक्सरसाइज से। व्यायाम करिए, आहार का संतुलित आहार लीजिए, कम लीजिए, टुकड़ों में लीजिए, तो आपकी शुगर 50 मिलीग्राम अपने आप कम हो जाएगी। उसके बाद आपके पास सारी दवाइयां जैसे डॉक्टर साहब ने बताई। धन्यवाद डॉक्टर साहब। दर्शकों, हमने जाना कि मधुमेह का अगर रोग है तो उन्हें नियमित अपने आहार में ध्यान रखना चाहिए, डॉक्टर के द्वारा बताए हुए आहार का नियमित पालन करना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए, 30 से 35 मिनट व्यायाम नियमित होना चाहिए और लगभग अगर गिने तो आपको लगभग 7 से 10 हज़ार कदम रोज चलना चाहिए। व्यायाम का प्रकार अलग अलग हो सकता है। नाना प्रकार की भ्रामक बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, चमत्कार के पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो डायबिटीज़ का इलाज है वो साइंटिफिक इलाज है और इसमें आपको खाली पेट चक्कर 100, भरे पेट चक्कर 180 के अंदर और 3 महीने का एवरेज लगभग 7% रखना होता है। आप एक बिल्कुल स्पष्ट रहिए कि डायबिटीज़ के रोग से जीवन छोटा नहीं होता, जीवन में होने वाली समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसलिए मैं जीवन की मधुरता को बनाए रखने के लिए अपने ब्लड शुगर की जो मिठास है उसको थोड़ा कम करिए और अपने डॉक्टर के फॉलोअप में रहिए ताकि आपके जीवन में खुशहाली आ सके। धन्यवाद। Healthcare Partner.